हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूर सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस में। आज हमारा एक पेपर हुआ है 8 नवंबर का, और ये पेपर था आपका CDS। CDS के इस पेपर में जो GK के पार्ट के आंसर्स हैं, फुल ऑथेंटिक आंसर की को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर जो होता है CDS का, वो UPSC डिज़ाइन करता है, तो इस वजह से सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पाते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक अच्छी पैटर्न को पढ़ रखा होगा, करंट पढ़ रखी होगी, ठीक ठाक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हर पार्ट में एक अच्छा जानकारी होगी, तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस की फटाफट एक आंसर की को देख लेते हैं, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि कौन कौन SSB के लिए क्वालिफाई कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, मतलब पेपर, ये सेट आपका सी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था, रिसेंटली अ रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट विच इट्स सीन, कहाँ देखा गया? भाई, उड़ीसा में देखा गया। उड़ीसा इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन आता है, असीम का फुल फॉर्म बताना है। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। फिर दोस्तों, इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। तो स्टे इन इंडिया और स्टडी और इंडिया जो प्रोग्राम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। HRD मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज़ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सस्पेंशन फाउंड ऑन मून। मून का सस्पेंशन कहाँ पाया था? लोनार। लोनार एक आपका एस्ट्रॉइड से बना हुआ लेक था। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रज्ञान रोवर जो इंस्टॉल किया गया है चंद्रयान 2 में, उसमें कितनी व्हील है? भाई, इसमें मोटे मोटे अगर देखा जाए 6 व्हील है, 3 राइट 3 लेफ्ट। फिर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इफ द लीनियर मूवमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट डबल्ड, डबल हो जाता है लीनियर मूवमेंट, है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर लीनियर मोमेंटम को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 2 टाइम, है ना, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस को अगर 2 गुना करेंगे तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्रोटॉन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, है ना, तो न्यूट्रॉन की ये प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो यही यहाँ पर आंसर होगा। न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये बिल्कुल गलत है, इसे याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये वैक्यूम में चल सकता है, इससे आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर स्मॉलर देन विजिबल लाइट, है ना, किसकी वेवलेंथ? इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से शॉर्टर होती है। तो भैया, ये जो है ये पॉइंट, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इसे याद रखिएगा, और ये भी सही है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रिप्रेजेंट बाय सी, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट की जाती है? सी से रिप्रेजेंट की जाती है। और स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम जो है वो वी से की जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर बताना है, तो क्या होगा? वी अपॉन सी, सी अपॉन वी, सी अपॉन 2V, या सी माइनस वी अपॉन सी, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए?
तो अगर इसको देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो आंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से नोट करते हैं, किसे? म्यू से। और इसका सही जवाब होगा सी। इसे याद रखिए, इसका सही जवाब होगा सी। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर द किंगडम ऑफ प्लांटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक? तो वो होगा एल्गी। एल्गी पूरी तरह से एक्वेटिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट बिलोंग टू टेक्सटोनॉमी कैटेगरी इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड जेनिस। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जेनिस। ठीक, 11, 12 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पर्ल्स आर हार्वेस्ट फ्रॉम ओस्टर, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ओस्टर वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 नंबर वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट कंसिडर एनालॉगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सेक्रेशन पेप्टिक अल्सर आर ऑल्सो डेवलप ड्यू टू बैक्टीरियम इन्फेक्शन, आर कॉजेटिव एजेंट इज हेलिकोबैक्टर पायरोली, है ना? कौन कॉज करता है? यही करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ ए एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉल डॉल्टन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है? ब्रोमाइन एंड मरकरी। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो द बोज एसिडिक एंड बेसिक नेचर? जिंक ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन कैप्ट इन ओपन लार्जर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2S। ठीक है, इसका सही जवाब क्या? H2S। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, तो ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और प्लांट किंगडम का भी क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन, द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछ रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट पे? ईस्टर्न कोस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, ड्यूरिंग 90s हु अमंग द फॉलोइंग रोट सतपतरा सीरीज? तो GH देशमुख ने ये सीरीज को चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स? कांग्रेस मॉडरेट्स ने इनमें से कौन सी डिमांड नहीं मांगी थी? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की थी, रिपील द आर्म एक्ट था, हायर जॉब फॉर इंडियन इन आर्मी था, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, वो ये क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो एक तरह का जुल्म हो रहा था भारतीयों के ऊपर, उसी को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल और इजी क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन? तो थियोडोर बैक ने इसे फॉर्म किया था, कई बच्चों ने इसे गलत भी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म बाय, ठीक है, त्रिवेणी संघ जो है आहिर मतलब यादव लोग, कुर्मी लोगों के द्वारा बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एक्सेप्ट द मिनिस्ट्रियल पोजिशन इन द सेंट्रल प्रोविंस इन 1925? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें जो है ये सी और डी में कंफ्यूजन है। ठीक, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डाउटफुल में मैंने से रख दिया है। चलिए अभी इसको हम देखेंगे, समय के हिसाब से इस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुआ अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरल फेडरेशन, है ना, इनमें से किसने नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी को फाउंड किया था? T.B. सिब्रू और M.R. जैकर, है ना, इसे याद रखिएगा। M.R. जैकर तो दोनों में थे, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो भैया ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, ठीक है। बाकी सारे डिज़ास्टर जो हैं वो एग्रीकल्चर, जैसे बाढ़ हो गई या सूखा हो गया, वो तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आएंगे, लेकिन डिज़ास्टर जो होता है वो इसमें आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 बोल रहा है कि सोशल आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, सेवन रेवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, सप्त क्रांति का आइडिया राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट का कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सी, अ स्टेट इन द ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ऐसा ज़रूरी होना नहीं है, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रिफर टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर, ठीक है, डिलीवर्ड बाय द गवर्नर क्या होना चाहिए इसका? तो इसका देखो प्रेसिडेंट रूल कॉल ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ईच ईयर, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका सी, सी इज द राइट आंसर। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पंचायत के बारे में कौन सा नहीं है, है ना। तो डू नॉट रिजर्वेशन ऑफ सी एस सी एस टी हैव नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ये एकदम गलत है और यहीं पर ये एकदम सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का जो ये क्वेश्चन है इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये काफ़ी एक नया क्वेश्चन है और मैं इस पर जल्दी आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सी और आपका ए के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा हुआ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेरूट, बेरूट किलिंग में जो बहुत सारे लोग मरे थे तो वो किस चीज़ के ब्लास्ट होने पर मरे थे? भैया अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट होने पर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, लिटिल बॉय क्या है? लिटिल बॉय एक बॉम्ब था जो हिरोशिमा पे गिरा, है ना, तो ये एकदम सही है, ठीक। और फैट मैन जो था वो नागासाकी पे गिरा था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, विच वन द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट अपॉइंट द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिशिया कोविड-19 वैक्सीन? तो भाई ये किसने अप्रूव कराया? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगर आपने करंट अफेयर मेरे पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मिले होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, रिसेंटली एक्सप्लोशन नियर ऑयल वेल इन बागजान इज़ ड्यू टू, ठीक है, असम में ये एक्सप्लोजन हुआ था और इसकी मेन वजह क्या थी? ठीक है, ऑयल एक्सप्लोजन, तो उसकी मेन वजह थी देखो गैस का रिसाव होना, ठीक है, जब वहाँ पर आग बुझाई जा रही थी तो तब गैस का रिसाव हो गया और एक्स्ट्रा एक्सप्लोजन हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 38 की तरफ बढ़े। तो राम मंदिर का आर्किटेक्ट बनाने वाले कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, इसे याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो अरुग्वे नहीं है, मैंने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में ये बहुत डिटेल में बताया था और ये आपके पेपर में आया भी है। चलो अब अगला है क्वेश्चन वॉलकैनो का, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, माउंट मेरपली इंडोनेशिया में है, ठीक है। सकुरोजीमा, सकुरोजीमा जो है आपका जापान में है, ठीक है। और माउंट वेसुवियस तो बहुत बार आ ही चुका है, ये इटली में है। और मोनालावा, मोनालावा आपका हवाई, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इसका आंसर है डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलना है कि बजट में इन टैक्सेस को इनके रिसेंट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको लगाएंगे तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 42 जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत दो जगह पे डेटोरेट किया गया है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरा क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया भी था जब इंडेक्स पढ़ाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में डी वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो हर स्टेट और यूटी पे नहीं लगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं, 44 की तरफ आते हैं। तो 44 में पूछा गया है 2019 में इंडियन इकनॉमी के बारे में क्या गलत है, ठीक है। देयर हैज़ बी डिक्लेरेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है, डिसलेरेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ये एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद देयर हैज़ बीन स्लजिस रोड इन द टैक्स रेवेन्यू रिटेन इन बजट, ये भी सही है। द नॉन टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड अ कंसिडरेबली हाइयर ग्रोथ रेट, ये भी सही है। क्या गलत है? फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैड बीन एज पर बजट एस्टिमेट, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज पर बजट एस्टिमेट एक्सपेंडिचर मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019-20 मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वॉज लाइकली टू बी, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसके लिए था? फूड सब्सिडी पर हमने सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च किया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव मिनिमम रेनफॉल, इनमें सबसे ज़्यादा मिनिमम रेनफॉल कहाँ होती है भैया? ले, ठीक है, याद रखिएगा, ले ले के बाद फिर आता है जोधपुर, ठीक है। फिर आता है टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली, टिम्बर वेजिटेशन जनरली नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखो टिम्बर वेजिटेशन जो है बेसिकली किस रीजन में नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर अगर टिम्बर वेजिटेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट फाउंड इन एल्पाइन रीजन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाई रही है, ये तो क्वेश्चन कई बार मैनी टाइम्स रिपीट हो चुका है, और मैनी टाइम्स रिपीट होने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। आइसोथर्म लाइन विल डिवाइड इंडिया नॉर्थ साउथ अमंग द टू इक्वल पार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। फिर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया था और इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस थे और बन गया है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को किस से इंडिकेट करते हैं? कोपेन के किस उससे? तो भैया कोपेन के इस नोटेशन से इसे इंडिकेट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भैया एलुवियल सॉइल पाई जाती है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड करेंगे, यूएस के स्टैंडर्ड से मिलाएंगे, तो इंटेप्सी सॉल सॉइल, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, ये कई पेपरों में कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सिंगापुर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर अगला आता है कि 53 क्वेश्चन की, इनमें से जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ बिल 1919 पर फीमेल फ्रेंचाइजी, मतलब महिलाओं को वोट देने के राइट पर, तो इनमें से किन किन लोगों वहाँ पर मौजूद थी? भैया एनी बेसेंट भी थी, सरोजिनी नायडू थी, हीराबाई टायरा भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया जो मूवमेंट है वो गुरदासपुर से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, विद होम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म अलायंस टू डिस्ट्रॉय द ऑल वेल मॉन्यूमेंट कलकत्ता इन 3940, ठीक है, तो किसके साथ मिलकर उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या यूनियस पार्टी, ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है, ठीक है, किसके साथ मिलकर उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इनमें से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे पहले किसने? बीपी वाड़िया ने, ठीक है। इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन ट्रेड यूनियन टू प्रॉपर सेंस इन टर्म, इनमें से पहली प्रॉपर ट्रेड यूनियन सेंस में कौन सी बनी? मद्रास लेबर यूनियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्क्वाड एसोसिएशन 1940, हृदयनाथ कुंजरू ने इसे फॉर्म किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा,
ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, बाकी सारे पॉइंट एकदम सही हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर के एडवाइजरी होता है, स्पीकर के अंडर अथॉराइज होता है, स्पीकर का सारे काम करता है, लेकिन ये जितने भी ऑर्डर पास करता है स्पीकर के नाम पे नहीं करता है, प्रेसिडेंट के नाम पर करता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्यों, क्योंकि हु अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ असेंबली 1942। तो यहाँ पर ये सी एम स्टीफन और एम एस एन ए में कन्फ्यूज़न चल रहा है, थोड़ा तो इन दोनों के नाम आ रहे हैं, तो इस पर भी रिसर्च जारी है, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, ये एकदम सही है, प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन और बाय डेथ, है ना, प्रेसिडेंट मे रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन और टर्न राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये बिल्कुल गलत है, ये वाइस प्रेसिडेंट को करता है, तो यही वाला पॉइंट सही है, प्रेसिडेंट शैल नॉट विदस्टैंड द एक्सपायरेशन ऑफ थर्ड कंटिन्यू होल्ड, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, तो इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पे कौन सा गलत है, सी वाला पॉइंट गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट एनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 31A एंड 31C। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्यू वॉरेंट, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और इस पर अच्छे से पढ़ाया है, क्यू वॉरेंटो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन इशूज फॉर द क्रिट क्यू वॉरेंटो, है ना, तो कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो देखो पहला वाला एकदम सही है, मस्ट बी पब्लिक ऑफिस, द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टेचुरी और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द ऑफिस नॉट बी अ सब्सटेंटिव वन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर हो गया, और ये भी सही है चौथा वाला भी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच आर द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338A, ठीक है, तो 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है, इसे याद रखिए, किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एन इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चूजन द नेम निसारगा, तो बांग्लादेश ने इसे चूज़ किया है, महाराष्ट्र गुजरात में ये साइक्लोन आया था, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले द रोल ऑफ शकुंतला देवी, है ना, ये ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर है, इनकी बायोपिक बनी थी और इसमें एक फेमस मैथमेटिशियन का रोल निभाया था विद्या बालन ने, अभी हाल में ही ये मूवी नेटफ्लिक्स पे ऑनलाइन रिलीज हुई, जी सी मुर्मू, बहुत ज़्यादा न्यूज में थे और मैंने इस पर अभी जो लास्ट वीडियो बनाया इस पर इनके बारे में था, अपॉइंटेड द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020, वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी, तो जम्मू कश्मीर के पहले बने थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा एडिशन, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा एडिशन हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल लीफ आइलैंड, तो इसमें क्यूशू आइलैंड इज नॉट अ कोरल लीफ आइलैंड, बाकी तीनों कोरल रीफ आइलैंड है, इसे याद रखिएगा, देन सिंस 2014-15 इंडिया हैज कंसिडर्ड रन ट्रेड सरप्लस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किस कंट्री के साथ सरप्लस चल रहा है, यूएसए के साथ, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये ऑलरेडी अरेंज है ना, जर्मनी, यूएस, साउथ अफ्रीका और नीचे इंडिया, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एज पर द यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन, यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द मैक्सिमम वेट हैज बीन असाइन टू, इनमें से सबसे ज़्यादा वेट किसको है, प्राइमरी गुड्स को मिला है, नॉर्मली देयर विल बी नो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, आमतौर पर डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं होती है, कब, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, तो ये यहाँ पर सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ठीक, इसे याद रखिएगा, ये इसका सही जवाब है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75,
75 मार्केट इन विच देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट इन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिविजुअल फर्म नो कंट्रोल ओवर प्राइवेट प्राइस बाय फर्म इस टर्म एज। तो जब आप फर्म के कंट्रोल नहीं होती है प्राइस, तो वहाँ पर चलता है परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि फर्म नहीं कर पाती है अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड, तो परफेक्ट कंपटीशन चलता है, कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन इज़ नॉट करेक्ट? पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को नहीं। सी ऑफ अजो, सी ऑफ अजो बेसिकली कनेक्ट ब्लैक सी, इसे याद रखिएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैप पे मैंने आपको कराया भी है। चलिए अगला है, क्लाइमेक्स माइन द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिबेडेनम कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, फिर आते हैं, इनमें से सबसे छोटी यूटी कौन सी है? तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लक्षद्वीप इनमें से सबसे छोटी यूटी है। ब्यूनस आयर्स और मोंटीवीडियो आर द सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ, किस बैंक के किनारे हैं? तो देखिए, रियो डी जेनेरियो रिवर है, या रियो रिवर है, जिसे रिवर प्लेट रिवर भी कहा जाता है, इसके किनारे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 की बात आते हैं, 81। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो पूछ रहा है कि इनमें से किस लेंस में ज़्यादा लाइट रे बेंड करेगी? तो भैया, इसका आंसर जितनी ज़्यादा पावर होगी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो ज़्यादा लाइट को बेंड करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ आते हैं, तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है, फोकस डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है? 25 है ना, और इमेज, तो इमेज जो है बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, तो ये इसका सी वाला सही है। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा ली, 1/f - 1/u - 1/v। ठीक है, फिर 1/v - 1/u होगा, ये मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, तो यहाँ पर ये उल्टा होगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको यूज़ कर सकते हो आप, है ना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बता रहा है, लाइट रे एंटर इनटू अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री, व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 0 डिग्री, है ना, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाई द फैक्ट दैट अ लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड? तो इसका सही जवाब है थंडर स्ट्रॉम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? थंडर स्ट्रॉम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स स्क्रीन वुड बी प्रोड्यूस शार्पस्ट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट? तो कौन सा करेगा? अ पॉइंट सोर्स ऑफ एन ओपेक स्क्रीन। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सोलर एनर्जी है। ठीक है, कन्वेंशनल आपका बाकी तीन है। फिर अबाउट फॉर फोलेम, इनमें से कौन सी बात गलत है? फोलेम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, ये गलत है, इसे याद रखिएगा। ठीक, फिर आते हैं, मैच्योर सिक्लिनेंसाइमा सेल हैव, ठीक है, तो मैच्योर सिक्लिनेंसाइमा सेल में क्या होता है? तो उसमें डेड सेल होते हैं लिग्निफाइड वॉल के, है ना, इसे याद रखिएगा। 88 के बाद आते हैं 89 पर, इन अ ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द बर्थ ऑफ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना घुमा के पूछा है कि बच्चे जो हैं वो इसमें गिर गए, है ना भाई, फादर का एक एक्सक्रोम मदर का होगा, तो यही सही जवाब है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में कि वो इसको समझ नहीं पाए। ठीक है, एंटीबॉडी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये फंगस से प्राप्त की जाती है और सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया को ब्लॉक करती है। ठीक, इसे याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनमें से नए उसका हाइड्रोजन का कौन सा है? तो ट्राइटियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल टिश्यूज, तो इसमें कौन सा यूज होता है? वो यूज होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ऑक्साइड ऑन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन? तो इसमें सही जवाब जो है आपका, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही तीन में आपको डाउट है, लेकिन मैंने इसको टिन बता दिया है, लेकिन टिन पे अभी मुझे डाउट क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि टिन ही सबसे नियर अबाउट लग रहा है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस कितनी होनी चाहिए? तो ये जो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस है, क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 94 में वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस 3 और 5 दो हो सकती है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी कमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर? तो INS विराट, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द सिंगल टाइटल इन द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप इन 2019? 19 का पूछा है तो सिमोना हैलेप, 20 का नहीं पूछा है। ठीक है, रिसेंटली अंडमान निकोबार के सारे आइलैंड पर ऑप्टिकल फाइबर लगा दिए गए सिवाय लिटिल अंडमान के। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग वॉट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? दोबारा हुए महिंद्र राजपक्षा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल और इमरजेंसी। तो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला हमारा आइलैंड है मॉरिशस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? तो सऊदी अरबी प्लेट नहीं है। टोटल स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपकी मेजर टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपकी कितनी है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, और वैसे तो 6 हैं, 6 से बढ़ा के 7 कैसे हुई है मैंने आपको बताया भी है। दुनिया की सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, फिर आते हैं 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो 4 प्लैनेट अर्थ के सबसे क्लोज होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। कौन सा प्लैनेट कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव अ टुंड्रा वेजिटेशन? तो इसका सही जवाब बेलारूस। ठीक है, टुंड्रा जो होता है 66.5 डिग्री के आसपास के ऊपर का रीजन होता है लैटिट्यूड पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूवियल लैंडफॉर्म? देखो, फ्लूवियल लैंडफॉर्म वहाँ होता है जहाँ वाटर से रिलेटेड चीज़ें बनती है, गॉर्ज, ब्रेड, कैनियन, ये सब में फ्लूवियल है। सार्क जो है, सार्क जो होता है ग्लेशियल लैंडफॉर्म आता है। किसमें? ग्लेशियल मतलब पहाड़ वगैरह में बनते हैं। ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू शिस्ट एंड ग्रीन पाइराइट राइट वेन डिड द स्टूको कम्प्लीटली रिप्लेस द स्टोन एज मेनली मटेरियल यूज बाय द गंधारा स्कूल? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे NCERT से आया हुआ है। अगर आप NCERT देखोगे आर्ट एंड कल्चर की, तो वहाँ पर ये मिलेगा 3rd सेंचुरी। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता कॉइन इज नॉट करेक्ट? इनमें से गुप्ता में जो सिक्के चले थे, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भैया ये दिनार वाला तो एकदम सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला गलत है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशू बाय गुप्ता रूलर वर कॉपर, बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक? ठीक है, फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ बम को लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि सबको पता है, भगवती चरण वोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पासेस? इनमें से किस सेशन में ऐसा हुआ था? तो भैया ये बहुत फेमस कराची सेशन था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज नॉट द सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन 1857? अयोध्या, ठीक, इसे ध्यान रखना, सॉरी अयोध्या नहीं, आगरा, आगरा होगा, अयोध्या गलत मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अयोध्या वाला हटा दें और आगरा याद रखिएगा, आगरा यहाँ पर है। ठीक, अयोध्या मतलब फैजाबाद तो था ही। ठीक, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। तो आदमगढ़ प्रोग्रेशन NCERT जो नई वाली है क्लास 12th की, उसमें ये पूरा पूरा दिया हुआ है। दूसरा चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो 1857 के रिबेल के बारे में है, लेकिन ये 1942 वाला कोई भी बात यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो ये वाला गलत है। ठीक, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। इब्न बतूता वेंट टू चाइना टू इनवाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान? तो भैया इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ठीक,
फिर अलबरूनी किताबुल हिंद जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? अरबिक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट, है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रिविलेज है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, है ना? और ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक। तीसरा डाउटफुल क्वेश्चन है आज का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो द मेंबर आर ओनली अपॉइंटेड, द मेंबर आर ओनली इलेक्टेड, द मेंबर आर ओनली नॉमिनेटेड, द मेंबर आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड और ऑन द मोशन मेड और एडॉप्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो 115 का जो सही जवाब है वो आपका सही जवाब है डी वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लासीफाई द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज द आउटलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इसका सही जवाब है 116 का डी वाला, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर आपका आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको गलत करने का मतलब है कि आपने अपने आप को सिलेक्शन से दूर कर लिया, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइज़र बी एन राव, ठीक है। फिर आते हैं रिट जारी करने की पावर किसके पास होती है, तो रिट कौन कौन इशू कर सकता है? तो देखो, रिट जारी करने की मेन पावर तो हाई कोर्ट के पास होती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इन इंडियन जुडिशियल रिट आर इशूड बाय, तो दोनों लोगों से, दोनों लोग इशू कर सकते हैं ना, दोनों लोग मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। तो उसका सही जवाब है सी, ठीक है। और द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, तो पार्ट 2। तो दोस्तों ये है हमारे CDS का जो पेपर आया था उसके पूरी आंसर की, है ना। और इसका एक डिटेल वीडियो एनालिसिस का मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी बता दूं पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी गोइंग वे में पेपर बना था। और अगर जिसने भी एक बैलेंस तरीके से पेपर को किया होगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। और बहुत जल्दी हमें CDS का अगला नोटिफिकेशन आ गया है और फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। हमारा कोर्स आपके लिए एकदम तैयार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।